सो फाइनली गाइस हंटर डे सानिया कुछ मिस हैपनिंग हो गया मैं राइडर के साथ फाइनली वी हैव एंटर्ड असुरे ये हंटर है उसका हैंडल मुड़ चुका है। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों कैसे हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो राम राम तो दिल से कनेक्ट भी लगता है आप लोगों के साथ। तो आज की राइड थोड़ी सी मॉर्निंग राइड है एंड एनर्जेटिक राइड है, मेरी आवाज़ में कोई एनर्जी फील हो रही होगी एंड बाइक भी आपको डिफरेंस दिख रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि भाई बाइक हंटर है रॉयल एनफील्ड और दमदार बाइकों में से एक। आज रॉयल एनफील्ड की सेकेंड एनिवर्सरी है, सो मतलब रॉयल एनफील्ड हंटर की सेकेंड एनिवर्सरी है, उसी का इवेंट है एंड मैं उसी इवेंट में जा रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है और बाइक तो एज यूजुअल बारिश में धुल के और अच्छी लग रही है, सरगंदी जरूर हो जाती है। एंड दिस इज ऑल न्यू ब्लैक हंटर जिसे हमने पूरा मॉडिफाई करा रखा है, इसका पूरा व्लॉग बना रखा है हमने, चेकआउट कर सकते हो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही बेहतरीन व्लॉग बनाया हुआ और उस पर 1,00,000+ व्यूज़ है आप लोगों की मेहरबानी से, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों उस चीज़ के लिए। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड ये ब्लॉग को पूरा देखना। एक मीटअप है रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो कि द सूर्य होटल में है, तो सूर्य होटल है NFC में न्यू दिल्ली, और देखते हैं अपनी बाइक कैसी लगती है आगे पीछे से। आगे से तो बेहतरीन लगती है, पीछे से मैंने टेल लाइट जो हटवा रखी है ये चीज़ भी अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मुझे तो अच्छी लगी कि आप लोग ऐसी लग रही है बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भाई आप लोगों का देखना पड़ता है। चलो थोड़ा सा खींचते हैं, यार हंटर खींचने में तो बहुत अच्छी है कंफर्ट, मतलब ये जो बाइक बनी है ना रॉयल एनफील्ड की तरफ से, मैंने सिर्फ व्लॉग बना रखा है और इसके मतलब अपना एक्सपीरियंस के ऊपर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मैंने अभी तक अपना सन वाइजर यूज़ नहीं करा है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं उमा रॉयल एनफील्ड सेक्टर 63 नोएडा। फिलहाल तो बंद है, एक ही भाई है बस एनफील्ड वाले, सॉरी हंटर वाले, और देखो कौन कौन आता है। सो वैसे ये अपना लाइनअप हैव अ लुक, हंटर राइडर कम ही आए क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, सैटरडे है आज 24th of August, तो ऐसे ही रहता है। चलो लेट्स मूव। इसमें ना फ्रंट में विंड ब्लास्ट काफ़ी तेज़ आता है गाइस, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहती है लॉन्ग राइड पे और जब आप फास्ट राइड करते हो उस टाइम पे भी। बट ऑल तो ब्रीफिंग हो चुकी है, रूप भाई मिल गए जो यहाँ के सेल्स पर्सन है सेक्टर 63 के एंड कोऑर्डिनेटर भी है राइड कोऑर्डिनेटर। तो बहुत दिनों के बाद गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं निकला हूँ राइड पे, शॉर्ट राइड है न्यू दिल्ली तक ही है, न्यू दिल्ली मतलब द सूर्य होटल। ये देखो गाइस अपनी पूरी लाइन फॉर्मेशन, ज़िगज़ैग लाइन फॉर्मेशन, मेरे पीछे एक राइडर है लास्ट में और बस मज़ा आता है ऐसे लाइन में चलने में। स्लो राइड चलती है अपनी 60-80 बस। इस्कॉन टेम्पल भाई यहाँ लग गया जाम ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट्स, ट्रक का टायर पंचर हो गया एक्चुअली। सो फाइनली गाइस हंटर डे, तो ये सारी हंटर्स खड़ी हुई है जिसमें कि अपनी ब्लैक हंटर काफ़ी ऑल ब्लैक हंटर काफ़ी आउटस्टैंड कर रही है सब बाइकों से। ये थोड़ी सी बस सेम है, इसमें ग्रे कलर का थोड़ा सा पार्ट है बट लुकिंग कूल लाइक एलिगेंट ग्रे, और फिर ये वाला ग्रे मेटालिक ग्रे। फाइनली वी हैव एंटर्ड असुरे न्यू दिल्ली, ऑल द हंटर राइडर्स आर गैदर्ड, अच्छी वाइब्स आ रही है सो फार, नाइस नाइस। सो गाइस दिस मच ऑफ हंटर्स आर देयर एंड नीचे ही पार्कड है इससे नीचे, और यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए बना रखा है।
So, I want to ask Mr. Dave to you that between breakfast and night there should not be a lot of coffee. So, let's move here. Thank you very much for coming to the discussion. Have you for this brand of ours, which is another 350. The next question, the lady over there, she gave a cue. How many hunters have we, do we have? तो गाइस फाइनली ये देखो लाइनअप नीचे की साइड भी है पूरा और इस साइड भी है पूरा लाइनअप उस साइड भी था ऊपर भी था एंड इट वॉज अमेजिंग इवेंट इज द हंटर 350 सो और ब्लॉग को करेंगे बाइक पे एंड बाइक चलाते चलाते बट सो फॉर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था एवरीथिंग इज गुड नेक्स्ट सूर्य होटल दिल्ली सो गाइस ये है नॉर्मल बाइक नॉर्मल हिमालयन एडवेंचर टूरर नहीं है एंड दिस वन इज द एडवेंचर टूरर कंप्लीट विथ टूरिंग सेटअप जो कि एनफील्ड का टूरिंग सेटअप है सो दिस इज लुकिंग कूल एंड बिग्स इन साइज एंड दिस इज सुपर मेटियोर रेड इन क्लो गाइस पता नहीं है कुछ मिस हैपनिंग हो गया मैं राइडर के साथ ओहो हैंडल मुड़ गया है गाइस बाइक का ना और इस बाइक के साथ रॉनन टीवीएस डैम तो भाई रॉनिन तो एक साइड ही गिरी है रॉनिन में बस ये लीवर ही मुड़ गया ऊपर की तरफ ये तो ठीक हो जाएगा बट हंटर में ज़्यादा खर्चा आ गया और अब टीवीएस वाला मांग रहा है पैसे हंटर वाले से जबकि टीवीएस वाला आ रहा था सामने से इस साइड से और हंटर वाला इस साइड से यू टर्न ले रहा था तो भाई हंटर वाला ने यू टर्न लिया है तो स्लो ही लेगा टीवीएस वाले ने उसमें फेंक दी एंड नाउ टीवीएस वाला इज आस्किंग फॉर दी मनी फ्रॉम हंटर वाला बताओ भाई क्या मतलब खा का नहीं आया वो कह रहा पुलिस केस करूँगा बताओ बिग हिमालयन द सुपर मीटर 650 सॉर्ट आउट हो रहा है मैटर सो गाइस ये महिंद्रा 3XO रोड प्रेजेंस अच्छी लग रही है देखने में साइड से जो लुक आ रही है वो थोड़ी नेक्सॉन की आ रही है मतलब जो टेल लाइट है उसकी नेक्सॉन जैसी लग रही है ऊपर से ऑल सब तो सब ठीक है अंदर से TUV 300 जैसी लग रही है ठीक है गाड़ी तो अच्छी है इसकी ब्रेकिंग में हमेशा वो खतरा सा रहता है पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड का तो ग्रुप जो है बहुत बड़ा ही है इंडिया के अंदर इतने सारे रॉयल एनफील्ड बाइक देख के हंटर 350 देख के गूस बम्स आ रहे थे गूस बम्स सो काफ़ी सारी थी ऊपर ही पार्किंग थी नीचे भी थी और अप्रॉक्स मेरी तरफ से मतलब अगर मैं काउंट एक अप्रॉक्स आइडिया लगाऊं तो नाना करके इट्स फील लाइक 150 प्लस हंटर्स वैसे तो दो साल तक इनकी जो सेल हुई है डैट इज इन एन अराउंड 3.5 लाख बाइक सेल हुई है सो चलो भाई सबको बोल दिया बाय बाय सो नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाईवे दिस इज हर्ष Bye bye, take care, ride safe guys and have a great weekend.